अपना रात कमरा लिया था हमने, और यहाँ से व्यू देखो यार, ये शीशा गंदा हो रहा, ये सूर्य देवता दिख रहे हैं, नीचे रोड जा रही है भाई, सारा अपना राइडिंग गियर इधर रखे है, सब गंदे हो चुका भाई, बहुत खराब रास्ता भाई, रास्ता ही नहीं है, शूज वगैरह, साइडल बैग वगैरह, ये लैपटॉप वगैरह सब मैंने चार्जिंग में लगा दिया सब चीज, और भाई हम कुछ यहाँ है लिए रोड साइड भाई था मनाली में ही, काफी सही है भाई, कमरे का व्यू तो कुछ सिंपल सा ही है, बस ये बाथरूम है, वहाँ पानी यहाँ पे गर्म है, ये चीज़ बढ़िया लगी थी मेरे को, सारी लाइट वगैरह बंद चालू भाई, रात 10 बजे करीब आए और 10:30 पे हम सब चित, मैं तो भाई चित हो गया 10:30 बजे, शूज की हालत देख लो भाई, बैग्स, राइडिंग गियर तो इससे बुरी हालत में है, और भाई कुछ बाहर का ना ऐसा व्यू आ रहा है, तो भाई रात व्लॉग नहीं कर पाया, आज हम मनाली एक्सप्लोर करेंगे और मनाली की सारी वादियाँ और सब चीज घूमेंगे आज, और कल निकलेंगे ऐसे लद्दाख के लिए, ठीक है, तो क्यों अश्वनी भाई रेडी हो? बिल्कुल अश्वनी भाई पूरे जोश में है, व्यू दिखाओ भाई, पीछे का ना कुछ ऐसा व्यू है जैसा कि आप देख रहे हो, और मैं हूँ अभी हिमगंगे हिम रंगीला रेस्टोरेंट होटल में, रात को हमने यहाँ स्टे करा था, और मेरे पीछे पूरी मनाली की वादियाँ हैं, ऐसा व्यू आ रहा है भाई, बाइक की कंडीशन ना कुछ ऐसी है, भाई मेरा थोड़ा सा हिलने तो लगा भाई, मेरा डर है कि भाई पूरा ना हिलने लगे, इससे तो हिलेगा नहीं है, तो आज पर थोड़ा कुछ सेटिंग करेंगे इसकी, और वो लग जाएगा आज भाई, बाइक तो पूरी गंदी हो गई है, और हम लोग गए थे उस वाले रूम में, नहीं इस वाले रूम में, हाँ इस वाले में, और अभी चल रहे हैं हम इधर, करते हैं बाइक को स्टार्ट, चला लिए 500 562, तो भाई चलते हैं, रात बहुत सही रही, अब निकलते हैं मनाली, और मनाली में मिलते हैं, अभी मनाली है यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर, तो बाइक हो गई अपनी रेडी, और अभी हम निकलते हैं यहाँ से और मनाली जाते हैं, और मनाली एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ काम है सामान भी लेना है, चलते हैं। अभी हम यहाँ से होटल से निकले थे और अभी आए हैं इस ब्रिज पे, पास ही में होटल हमारा सामने भाई, तो लोकेशन देख के हम सोचा मगर आ जाए भाई, पूरी रात भर हमें इस पानी की आवाज़ सुनने को मिली है भाई, तो ये कुछ व्यू, अब हम पहुंच चुके हैं मनाली, और मेरे सामने है ये मनाली की मॉल रोड, बाइक में ना थोड़ा कुछ काम करवा रहे हैं, एक्चुअली ना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो एक यहाँ से क्या लग जाइए, मैं दिखाएंगे आपको क्या करवा रहे हैं, अंकल अभी काम कर रहे हैं, बाइक में हो रहा है काम, भाई काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, डबल डबल वेल्डिंग, क्योंकि भाई कल का दिन बहुत खतरनाक है भैया, हाथ तो हाथ पेंट भी हो रहा भाई, बाइक हो गई अब कुछ ऐसी, अंकल ने इधर से लगा दिया है, इधर से ऐसी हो गई, तो अब काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाएगी बैग्स को, और अंदर नहीं आएगा, चलो अब चलते हैं, thought I was
पर भाई व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो जोगनी वाटरफॉल, मैं उस टाइम पर मनाली में और अभी मैंने ट्रैक करा है जोगनी वाटरफॉल तक का, हमें कम से कम आधा घंटा लगा है और भाई व्यू एक नंबर आ रहा भाई, एक नंबर बहुत। तो अभी हम आए हैं मॉल रोड, कुछ सामान लेना है। मेरी ये थोड़ी तबीयत ख़राब है, गले में खराश वगैरह हो रही है और गले में दर्द हो रहा ना, तो उसकी दवाई लेनी है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और घूमते हैं और फिर चलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कर लिया है अपना लंच और हम निकलते हैं अपने होटल की तरफ। भाई 1100 का तेल फिर आ गया है। अब आगे का प्लान ये है कि अब हम निकल रहे हैं होटल से और जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं पे अपना स्टॉप लेके रात को वहीं कैंपिंग करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से निकल के कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और बस सब सामान पैक करके और यहाँ से रवाना होते हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता कि आज भी हम उसी सेम होटल में स्टे करें। इनफैक्ट कि हम अपना सारा जो कैंपिंग का सारा इक्विपमेंट है सब कैरी कर रहे हैं, तो आज हम कैंपिंग का पूरा मूड में है तो कैंपिंग करेंगे। सब खाने पीने का सामान भी ले लिया, तो रुकते हैं चल के वहीं कहीं कैंप साइट ढूंढते हैं। तो दोस्तों इट्स टाइम टू लीव, बज रहे हैं भाई टाइम हो रहा है भाई तकरीबन 5 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। अभी का टारगेट तो सिर्फ इतना है कि हमारे को जिस्पा तक पहुंचना है और वहां पे जाके स्टे करना है। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं सीसू वगैरह में हम रुकेंगे और कल सुबह वहीं से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे लेह के लिए। और ये है कि सुबह जल्दी उठेंगे तो सामान बांध के एकदम निकलना होगा, तो काफ़ी हमारा टाइम भी बचेगा और जल्दी पहुँच पाएंगे। यहाँ से करिए मैंने जेरिकन परचेज, मेरे को 5 लीटर की जेरिकन इन लोगों ने 90 रुपीज़ की दी है। मैंने यहाँ से 2 जेरिकन खरीदी हैं और थोड़ी दूर पीछे मनाली में मेरे को 125 की एक जेरिकन दे रहे थे। जितना आप ज़्यादा आगे की तरफ चलते जाओगे आपको उतना ही कम प्राइस में मिल जाएगा। बहुत लोगों का पूछना था कि भाई आप जेरिकन कहाँ माउंट करोगे, कहाँ रखोगे जेरिकन, तो मैं अपनी जेरिकन ना यहाँ पर बांध रहा हूँ, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो अभी बज रहे हैं 6 और मैं पहुंच चुका हूं अटल टनल, द वर्ल्ड फेमस अटल टनल। भाई पूरे इलाके में रौला है भाई अटल टनल का, जिससे भी पूछो कि भाई अटल टनल गए, सब लोगों ने फोटो डाले भाई अटल टनल के साथ, अब हम भी खिंचाएंगे फोटो। अटल टनल में 10 किलोमीटर कब हमने कवर कर लिया हमें को पता नहीं चला भाई, बहुत ही प्यारी रोड है अंदर, बहुत ही प्यारी टनल है। और अभी मैं हूँ इसके नॉर्थ एग्जिट पर, यहाँ पे चल रही है बहुत तेज़ की हवाएं और अब देखते हैं भाई सिसु ही रुकना पड़ेगा, अब हम जाके सिसु में कहीं कैंप लगाते हैं अपना। अब हम कैंप कर रहे हैं इसमें से थोड़ा आगे, बाइक अपनी ये खड़ी है। तो भाई सुबह दिखाते हैं लोकेशन कैसी है।
ये टॉर्च मैंने खरीदी थी अमेज़ॉन से और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी इसकी। और अभी हमने बनाई है मैगी वगैरह बनाई है और रेडी टू ईट का बहुत सारा सामान है, उसे हम खाएंगे। फिर उसके बाद हम जो जितने भी तारे दिख रहे हैं ना आसमान में, वो पूरे कैप्चर करने हैं भाई, पूरा टाइम लैप्स बनाना है। अभी चलते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं और बॉनफायर वगैरह बनाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ हैं। अभी थोड़ी देर में हवाएं वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर मस्त बॉनफायर लगाएंगे। ये बर्फ जम गई है भाई। टैंक बैग <देख। laughs>